नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली कैपिटल्स की टीम का एक खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका है, यानी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। इस खिलाड़ी का नाम है संदीप लामिछाने। जी हाँ, नेपाल के हैं संदीप और दिल्ली की टीम से लगातार अब तो तीन साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है उन्हें दिल्ली की टीम से जुड़े हुए। और बहुत एक यंग एज में उन्हें दिल्ली ने जो है वो इम्पोर्ट कर लिया था, अपने पास ले आए थे, और इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लिए मैचेस भी खेले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट भी हैं, कई सारे खिलाड़ी उनके बारे में बात भी करते हैं। नेपाल के लोग बहुत खुश हैं कि आईपीएल में नेपाल का एक खिलाड़ी खेल रहा है, और इस खिलाड़ी को लेकर के बहुत सी बातें लगातार होती रही है। इस सीज़न जो बीता सीज़न है उसमें वो नहीं खेले, लेकिन अब ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि वो फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और हॉस्पिटल में भर्ती वो इसलिए हैं क्योंकि उन्हें जो है वो कोरोना से वो संक्रमित हो चुके हैं। 28 नवंबर को ट्विटर के जरिए उन्होंने बताया था कि वो कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। क्रिकेट नेपाल में छपी खबर के मुताबिक संदीप होम आइसोलेशन में थे, लेकिन सांस में तकलीफ के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्होंने ये लिखा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया हूं। मुझे बुधवार से शरीर में दर्द था, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही है। अगर सब सही रहा तो मैं फिर से मैदान पर लौटूंगा, मेरे लिए प्रार्थना करें। इससे पहले 27 नवंबर को नेपाल क्रिकेट टीम के उपकप्तान दीपेंद्र सिंह एरी भी कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। यानी ये हो सकता है कि उन्हीं के द्वारा अगर साथ में दोनों गए हों तो फिर उन्हीं के द्वारा संदीप लामिछाने को भी उसका टेस्ट पॉजिटिव आया हो, या एक दूसरे से ही किसी एक को फैला हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम भी चाहेंगे कि आप संदीप लामिछाने को जो है स्पीडी रिकवरी के मैसेजेस दें और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।